चाप हमारे देश की एक बहुत पुरानी डिश है, ये कोई नई डिश नहीं है। आज हम रॉ चाप और शाही चाप दोनों बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से, ऑथेंटिक मेथड से बनाएंगे। मैं इस रेसिपी को करीब 18 साल से फॉलो कर रही हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉट पूरीज फूड चैनल में। रॉ चाप बनाने के लिए बेसिक सामग्री है हमारी आटा। आटे में भी आपको बाजार में बहुत तरीके के आटे मिल जाएंगे। होल व्हीट फ्लावर होता है, ब्राउन ब्रेड फ्लावर होता है, फिर अलग से आते हैं केक व्हीट फ्लावर, लेकिन हमको मेनली चाहिए ब्राउन ब्रेड फ्लावर। सबसे पहले हम यहाँ करीब 1.5 किलो आटा लेते हैं। ये आटा हमको बिल्कुल भी पतला नहीं गूंदना है। ये चाप करीब 18 साल हो गए मुझे बनाते हुए। तो सबसे पहले मैंने जब ये चाप बनानी शुरू की थी तो इंडिया से बाहर मैं जब आई, मम्मी को फ़ोन किया कि बड़ा दिल हो रहा है चाप खाने का, आज आप बताओ कैसे बनती है अगर आपको आइडिया है तो। तो मम्मी ने बोला ये तो बड़ी मुश्किल है, चिचड़ से बनती है ये चाप, तो तू कैसे बनाएगी। तो फ़ोन रख दिया मैंने ये सोच के, अरे भाई चिचड़ पता नहीं क्या चीज़ है, ये चिचड़ कहाँ मिलेगा यहाँ पे चिचड़। फिर अगले दिन दोबारा यही हुआ कि भाई चाप खाने का दिल हो रहा है, चाप कहाँ से लाएं। मम्मी को फ़ोन लगाया तो मम्मी कहती है अच्छा वाकई में मतलब तू कर लेगी फिर इतनी मेहनत, इसमें थोड़ी मेहनत तो है। तो मैंने कहा हाँ हाँ नहीं नहीं आप बताओ मेरे को, मैं कर लूँगी मेहनत। तो मम्मी ने बोला इसमें करना कुछ नहीं है, आटे को तेरे को 2-3 बार धोना है पानी में, खुले पानी में, उसके बाद उबाल लेना मसाले वसाले में, ये बढ़िया चाप बन के तैयार हो जाएगी। मैंने तो अभी पूरी बात भी नहीं सुनी उनकी और फ़ोन रख दिया और मैं लग गई चाप बनाने में। जब चाप बन गई, रेडी हो गई तो मम्मी को बताया, फिर उनसे पूछा मैंने कि भाई आपको कैसे ये चाप की रेसिपी पता चली। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फादर को देखा था ये बनाते हुए, तो तब से उनको भी पता है ये पुरानी रेसिपी के बारे में। आटा लगभग मैंने गूंद लिया है, अब इसमें हल्का सा तेल का हाथ लगना ही बाकी है। आप तेल लगा सकते हैं या घी भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमको एक एक पेड़ा लेना है और पानी में धोना है। इस तरीके से आटे में से ग्लूटेन निकाल के रेसिपी बनाने का ये जो तरीका है, ये बाहर के देशों में सेतान कहलाता है, यानी कि वीगन मीट जब हम लोगों को बनाना होता है तो इसी तरीके से बनाते हैं। इसको मॉक मीट भी कह सकते हैं, ग्लूटेन से जब आप मीटलेस मीट बनाते हैं। पानी में अच्छे से ये आटा धोने के बाद हमको इसमें से ये खालिस ग्लूटेन मिलता है। इसको आप क्राफ्ट स्टिक्स पे, यानी कि लकड़ी की स्टिक्स पे, या ये चम्मच की बैक साइड पे आप लपेट के चाप अपनी रेडी कर सकते हैं। इस रेसिपी में 2-3 आवश्यक बातें यही हैं कि सबसे पहले तो ये पानी हमको हर बार चेंज करना है जब भी हम ये ग्लूटेन निकालें। दूसरी बात
कि आप जो भी आपके घर में आटा आता है, आप सबसे पहले एक दो चाम उसी से बनाकर रेडी करके देखिए। तीसरी बात यह है कि जो आटा आप इस्तेमाल करेंगे वो या तो मैदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए या मैदे की तरह वाला आटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से आटे को पानी में धोने के बाद हमको ये ग्लूटन मिला है। अब इसी को हम ये क्राफ्ट स्टिक्स पर लपेटेंगे कुछ इस तरह से। ये एक मैंने रेडी कर रखी है स्टिक। अब ये मैं इस पे लपेटती हूँ। पहले ये स्टिक डालूँगी इस ग्लूटन के अंदर मैं इस तरह से। इस तरह से आप इसको बस गोल गोल घुमा के लपेटते जाएं और एंड में इस तरह से आप इसको तोड़ लें और फिर थोड़ा सा दबा के लपेट दें तो ये आपकी चाप स्टिक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हमने सारी स्टिक्स को रेडी करना है। इतने ग्लूटन से करीब 20 या 25 चाप आपकी आराम से रेडी हो जाएंगी। स्टिक्स हमारी तैयार हैं, यानी कि चाप हमारी बिल्कुल तैयार है, रॉ चाप। इस तरह से चाप बनाने का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, सोया चाप से भी एकदम लाजवाब। अभी कुकर में मैंने थोड़ा पानी डाला है, नमक डाला है। इस सारी चाप को हम इसमें बॉईल होने के लिए रख देंगे। आप प्रेशर कुकर में विसल लगवा सकते हैं और पैन में उबाल सकते हैं। इधर मैंने ली है चने की दाल, करीब 2 बड़े चम्मच चने की दाल है। इसको भी हम चापों के साथ उबालने छोड़ेंगे। धुली हुई चने की दाल को हमने बॉईल करते वक्त इस कुकर में डाला है। जैसे जैसे चने की दाल गलेगी इसी तरह से हमारी चाप भी गलकर तैयार हो जाएगी, ये इस बात की श्योरिटी देगा। अब 15 मिनट के बाद देखते हैं, चेक करते हैं कि चने की दाल गल गई है। ये बिल्कुल 100% गलनी चाहिए इस तरह से, और चाप भी हमारी गल चुकी है। हम उस पानी को फेंकेंगे नहीं और अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है ग्रेवी जब हम ये पानी डालते हैं दाल वाला। रॉ चाप हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं उसकी ग्रेवी की, यानी कि किस तरह से हम उसे मैरिनेट करेंगे, कैसे मसाले लपेटेंगे। तो यहाँ पर है 1/2 कप दही, प्लेन दही है ये। अदरक लहसुन है 2-2 चम्मच। दही में मैं ये अदरक लहसुन मिलाती हूँ। दही में अदरक लहसुन अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, यानी कि हल्दी, नमक, गरम मसाला, वो सभी मसाले हम चाप में लपेटेंगे। दही और मसालों में मैरिनेट करने के बाद हम 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज में छोड़ेंगे। लेकिन जो लोग वीगन हैं या जो डेयरी इस्तेमाल नहीं करते, वो बिना दही के चाप में मसाले लपेटने के बाद कुछ इस तरह से तलेंगे। आप ये चाप आराम से 1 महीने तक डीप फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं और बाद में इसको ग्रेवी में आराम से शाही चाप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे ये कुछ मसाले हैं, तेजपात है, 2 बड़े प्याज का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टमाटर का पेस्ट है ये। अब मैंने तेल डाला है पैन में, इसमें मैं थोड़ा दही को भूनूंगी। अगर आप वीगन हैं, दही या दूध कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इस स्टेप को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आज मैं दोनों ही तरीके से चाप बना रही हूँ। एक मैं दही वाली चाप बना रही हूँ और एक विदाउट दही, क्योंकि वीगन चाप है, नॉन डेयरी चाप है। तो यहाँ पर मैंने इसके मसाले के लिए प्याज भुने हैं, अदरक लहसुन भून ली है। अब मैं ये टमाटर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी 2 ग्रेवीज हैं, ये दही वाली है ग्रेवी। चाप को दही और मसालों में लपेटने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया था करीब 1/2 घंटे। अब हम उसको तल रहे हैं। अब ये तो है दही वाली चाप, जिसकी ग्रेवी भी दही वाली है। दही को हमने अच्छे से भुना है। और ये है प्लेन चाप, यानी कि वीगन चाप। इसमें कोई दही नहीं है, कोई डेयरी नहीं है। कुछ देर के लिए पकाना होगा हमको। ये दोनों ही चाप पक रही हैं। ये लीजिए, वाह।
इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, खास तौर पे आप छुट्टी वाले दिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ।